किसी को याद नहीं हमने क्या किया था लास्ट टाइम? नोबडी। ओके 1 मिनट। ऑल राइट चिल्ड्रन, आपके अटेंडेंस हो गए। मेरे यहाँ पे रिकॉर्डिंग बता ही नहीं रहा था। ओके ओके ठीक है, चलो। ओके सो क्लास 9 आईसीटी हमारा चैप्टर हो गया है, राइट? हमने एक सेशन में कंप्लीट किया था पूरा चैप्टर आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यस, उसके बाद कार्बन एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट भी हो गया है, कंप्लीट हो गया है कार्बन एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। हैव वी कंप्लीटेड कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट? पूरा हो गया है चैप्टर? एक बार रिकलेक्ट कर लो चिल्ड्रन। जितना मुझे याद है हमने फ्लोरीन किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, बायोगैस प्लांट भी कर लिया था, राइट? हमने थोड़ा एक्सटेंड करके ये सेशन कंप्लीट किया था। यस, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, 1 मिनट। इज माई टेक्स्ट बुक विजिबल चिल्ड्रेन? आपके यहाँ पे विजिबल? ओके, तो हमने आई थिंक ये बायोगैस प्लांट कवर किया था, राइट? आप एक बार चेक कर लीजिए अभी के अभी, राइट नाउ इवन आई विल चेक, मैं भी चेक कर लेती हूँ। डन, और एवरी बढ़िया, आप सभी चेक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड 9। ठीक है, हमारा लास्ट क्लास जो हुआ था, इट वाज डन ऑन 17th of February। वन मिनट। हाँ, एक मिनट चिल्ड्रन। हमने लास्ट सेशन में फूड कलर्स और डाइज के बारे में पढ़ा था, एम आई करेक्ट चिल्ड्रन? फूड कलर्स और डाइज के बारे में पढ़ा था, यानी कि ये वाले पार्ट के बारे में पढ़ा था। 150 यहाँ पे पहुंच गए थे हम, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर्स। 158, व्हाट आई कैन सी इज, ये हमने पढ़ा था, एम आई करेक्ट? चिल्ड्रन आई वॉन्ट आंसर, अदरवाइज मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ा पाऊंगी आपको। 1 मिनट चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन।
ओके चिल्ड्रन कमिंग बैक हियर, हमने डाइज कंप्लीट किया था ठीक है, और हम नेक्स्ट टाइम के लिए आर्टिफिशियल कलर करने वाले थे। जिनको याद नहीं है आप 17 फरवरी का वीडियो देख लीजिए ठीक है, तो उसमें मैंने कहा था कि हम आर्टिफिशियल कलर्स जो कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। हमने डाइज का कंप्लीट किया था, यूजेस भी देखे थे हमने, एडवर्स इफेक्ट्स भी देखे थे डाइज के। इसके पहले हमने हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर्स भी देखे थे एंड फूड कलर्स एंड एसेंसेस भी देखे थे। तो बेसिकली हमने कार्बन कंप्लीट करके सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज पे आए थे। हमने शर्नोबिल डिजास्टर के बारे में भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और उसके पहले हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो कि फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, इन सारी चीज़ों में आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं एज अ ट्रीटमेंट पार्ट, तो ये भी हमने देखा था ठीक है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ भी पूछना है? नो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं विद आर्टिफिशियल कलर्स। आर्टिफिशियल कलर्स में हम डिओड्रेंट, टेफलॉन ठीक है, फिर उसके बाद पाउडर कोटिंग, एनोडाइजिंग, सिरामिक, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। तो अभी जैसे कि आप सभी को पता है अभी होली आ रही है, ओके होली आ रही है, तो हम होली में सबसे ज्यादा कलर्स यूज करते हैं राइट, या तो हम पानी के साथ मिक्स करके यूज करते हैं या ड्राई कलर्स यूज करते हैं। काफी बार ऐसे देखा गया है कि रिकमेंड करते हैं कि आप ड्राई कलर यूज करो ठीक है, और पानी के साथ मिला के कलर को यूज मत करो। कोई बता सकता है रीजन इसका क्या है जिसकी वजह से आप ड्राई कलर यूज करना प्रिफर करेंगे ओवर वेट कलर्स, या दो तीन कलर्स को मिक्स करने से पहले आप ड्राई कलर यूज करेंगे? कोई बता सकता है मुझे ऐसा क्यों, इसका स्पेसिफिक रीजन क्या है? एनीबडी? यस नो रीजन? किसी को पता नहीं है? ड्राई कलर जब आप डस्ट करते हैं तो आपके ड्राई कलर्स निकल जाते हैं ठीक है, काफी टाइम तक वो स्किन के कांटेक्ट में नहीं रह पाते हैं, वो इजीली वॉश आउट हो जाते हैं। जो पानी के साथ भिगोए हुए कलर्स होते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करते हैं वाटर के कांटेक्ट में आते ही ठीक है। ड्राई कलर्स केमिकल रिएक्शन क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास सोर्स नहीं होता है केमिकल रिएक्शन को लूप करने का, बट वेट कलर के पास सोर्स होता है, पानी होता है। अब ये जो पानी के साथ कलर जो है काफी टाइम तक स्किन के ऊपर सेटेड रहेंगे क्योंकि स्किन की क्या बोलते हैं, स्किन के सेल्स फिक्स हो तो जाते हैं। अब बंद कर दिया था, अब वाईफाई चालू रखना पड़ेगा। जाहिद यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ। यस दे आर हार्मफुल फॉर स्किन, दे विल हार्म द स्किन। जाहिद खान प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जाहिद खान इफ यू कैन म्यूट योरसेल्फ प्लीज। मार ओके 1 मिनट। ओके जाहिद खान प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ऑल राइट,
तो ये जो हार्मफुल कलर्स होते हैं वो पानी के साथ स्किन में जाने के बाद ज्यादा पेनिट्रेट होते हैं और स्किन के ऊपर रैशेस छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल कलर अगर होली के टाइम पे आपके स्किन पे रैशेस छोड़ सकते हैं और स्पॉट्स और वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, तो जायद खान आप दूसरे डिवाइस से प्लीज लॉग आउट कीजिए। आपके दूसरे डिवाइस से बहुत सारी डिस्टरबेंस आ रही है बच्चा, ठीक है जी। तो ये जो कलर्स होते हैं स्किन के लिए काफी हार्मफुल हो जाते हैं। तो एक तो ये रीजन होता है कि ये स्किन के साथ मिक्स होने के बाद ये आपकी स्किन के ऊपर रैशेस क्रिएट करेंगे, रैशेस के साथ साथ डार्क स्पॉट्स क्रिएट करेंगे, जैसे आप अभी टेक्स्ट बुक में देख पा रहे हो। ये डार्क स्पॉट्स के साथ साथ ये ब्लिस्टर्स भी क्रिएट करते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब बुलबुले होते हैं, उसके अंदर पानी होता है या पस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल कलर के यूज का और उसकी एलर्जीज जानने का, कि हम रंग पंचमी के टाइम पे जो कलर यूज करते हैं दे आर वेरी वेरी डेंजरस। ओके, होली खेलना मना नहीं है, होली खेलने की एक तरकीब होती है, लेकिन होली का नाम लेके एडवांटेज लेके पूरे बॉडी पे कलर डालना इज नॉट करेक्ट, ठीक है। हम बोलते हैं कि इतना कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल कलर जो बने हैं वो सारे केमिकल्स के बने हैं, एंड यू माइट नॉट नो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स कितनी मात्रा में मिलाए हैं जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। पहले के जमाने में होली खेली जाती थी सिर्फ गाल पे थोड़ा सा रंग लगा के, दो उंगलियों से और अंगूठे से टीका लगा के खेलते थे। वो एक तरीका होता था होली खेलने का या रंग पंचमी के दिन रंग सेलिब्रेट करने का। अभी जो पूरा रंग डाला जाता है अलग अलग कलर, सिल्वर और वो जो ना निकलने वाले कलर काफी दिनों तक चलते हैं, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। वी रेगुलरली यूज आर्टिफिशियल कलर्स ऑन रंग पंचमी, डेकोरेटिंग हाउस बाय पेंटिंग। द रेड कलर यूज ऑन रंग पंचमी इज वेरी डेंजरस, जिसे गुलाल कहते हैं लेकिन वो एक्चुअल में गुलाल नहीं होता है। इट कंटेन्स हाई प्रपोर्शन ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हम मुंह में तक नहीं टच करने से डरते हैं, ये पूरा स्किन के अंदर टच हो जाता है। दिस पोजेस रिस्क लाइक ब्लाइंडनेस, अगर आंख में चले जाता है तो ब्लाइंडनेस हो जाती है। स्किन के ऊपर ज्यादा सेटल हो जाएगा तो स्किन कैंसर हो जाती है, अस्थमा होता है मर्क्यूरी से, इचिंग ऑफ द स्किन, परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ स्वेट पोर्स जो आपकी बॉडी के ऊपर, हाथ के ऊपर जो आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे आपकी स्वेट नहीं निकलती है, और अगर स्वेट बाहर नहीं निकलती उस पोर्स से तो आपके उस स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट आर्टिफिशियल कलर्स आर यूज्ड कॉशियसली, ठीक है। आर्टिफिशियल कलर्स को उतनी ही मात्रा में यूज करनी चाहिए जितनी की रिक्वायरमेंट हो। कभी कभी आप देखते हो कि आर्टिफिशियल कलर्स एनिमल्स पे भी डाले जाते हैं, लेकिन एनिमल्स को होली खिलाने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उनको होली की उनको और ज्यादा एलर्जी होती है, उनके बेबीज उनका दूध पीते हैं। एनिमल्स अपने आप को नहा के तो क्लीन नहीं कर सकते, राइट। तो अपने आप को चाट के क्लीन करते हैं, तो जब भी वो अपनी बॉडी को लीक करते हैं या चाटते हैं तो वो सारे कलर्स उनके पेट में चले जाते हैं। तो सोचो उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी, वो अपना बता भी नहीं सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑलवेज बी केयरफुल, जब भी आप ऐसे सब कलर्स यूज करते हो उतना ही कलर यूज करो जिससे आपका सेलिब्रेशन हो, ना कि किसी की हार्म हो, ठीक है। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? इतना सभी को क्लियर है चिल्ड्रेन, ठीक है। हमारी स्किन को हार्म नहीं करते हैं, एनिमल्स को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। उनके हेयर के अंदर ही कलर परमानेंटली बैठ जाते हैं, जो 6-6 महीने तक भी नहीं निकल सकते। उनकी स्किन कैंसर्स होते हैं, उनको स्किन इन्फेक्शन होता है, राइट। तो उनको कौन ट्रीट करेगा जाके? हम तो डॉक्टर के पास जाके बता के हमारा इलाज भी कर देंगे, उनको कौन ट्रीट करेगा? उनके बेबीज जब भी उनका मिल्क पीते हैं तो साथ में वो कलर भी उनके बेबीज के बॉडी में जाता है, बेबी को भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। सो इमेजिन ये कितना हार्मफुल है। एक टीका लगा के रंग पंचमी सेलिब्रेट करना इज डिफरेंट, और पूरा कलर रास्ते पे डाल देना इज डिफरेंट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड आउट द हैजर्डस केमिकल प्रेजेंट इन आर्टिफिशियल कलर्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट। मर्क्यूरी के अलावा और कौन से केमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है, प्रिपेयर कलर फॉर रंग पंचमी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज बीट रूट, फ्लावर्स ऑफ फ्लेम, फ्लावर्स ऑफ फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे कुछ तो रान करके कुछ बोला जाता है, जंगल जंगल करके कुछ बोला जाता है, फ्लावर ऑफ फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट करके एक झाड़ आता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट जी, फ्लावर ये देखिए इस तरह का फ्लावर होता है, इससे बहुत सारे, ये देखिए इससे बहुत सारे ये बनाए जाते हैं, कलर्स बनाए जाते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट ये होता है, ठीक है, इससे भी कलर बनाए जाते हैं, तो ये कलर्स हम यूज कर सकते हैं चिल्ड्रन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल कलर, इससे बने हुए नेचुरल कलर्स जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया सभी को, यहाँ तक सभी को कोई कोई डाउट नहीं है, यस, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, स्पिनच भी यूज किया जाता है कलर बनाने के लिए, फ्लेम ट्री, गुलमोहर ट्री भी यूज किया जाता है, लाल गुलमोहर फ्लावर के भी ये होता जाता है, जिससे आपकी हेल्थ भी प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है, इसके बाद ये तो था आर्टिफिशियल कलर्स, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी ऑडर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, तो ये बॉडी ऑडर को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, डिओड्रेंट, कपड़ों के लिए परफ्यूम यूज करते हैं, बॉडी के लिए डिओ यूज करते हैं, राइट, यस, डिओड्रेंट हमेशा स्किन पे यूज किया जाता है और कपड़ों के लिए परफ्यूम यूज किया जाता है, तो यहाँ पे जो बॉडी ऑडर कॉज करने वाले बैक्टीरियल जो होता है वो स्वेट के साथ डिकम्पोज हो जाता है, डिओड्रेंट इज यूज टू प्रिवेंट दिस ऑडर, इस बदबू को प्रिवेंट करने के लिए हम डिओ यूज करते हैं, अब काफी सारे डिओड्रेंट आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ डिओड्रेंट स्प्रे के फॉर्म में आते हैं और कुछ डिओड्रेंट रोल ऑन के फॉर्म में आते हैं, करेक्ट, आप स्किन के ऊपर डायरेक्टली रोल ऑन करेंगे तो आपकी स्किन की स्मेल प्रोटेक्ट रहेगी, और कोई स्प्रे करेंगे तो आपकी स्किन की जो ओडर रहेगी वो प्रोटेक्टेड रहेगी, राइट, बट ये डिओड्रेंट होते क्या है, ये इसको स्किन के साथ कॉन्टेक्ट करने पे क्या होता है, एवरीबडी लाइक फ्रेग्रेंट डिओड्रेंट टू रिमेन फ्रेश द होल डे, स्कूल चिल्ड्रन यूज डीओ ऑन अ लार्ज स्केल, स्कूल के बच्चे आजकल बहुत सारा डीओ यूज करते हैं, ठीक है, दिस लार्ज स्केल यूज ऑफ डीओ इन एडोलसेंस रिजल्ट फॉर द एडवर्टाइजमेंट शोन ऑन द टेलीविजन, अब पहले के टाइम पे स्कूल में डिओड्रेंट यूज करना अलाउड नहीं था, इंस्टेड ऑफ डिओड्रेंट अब पाउडर यूज करते थे, करेक्ट, पहले के टाइम पे, हमारे टाइम पे एटलीस्ट, मैं हमारी जनरेशन के साथ कंपैरिजन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जनरेशन से ये जनरेशन तक बहुत बड़ा चेंज हो गया है, ओके, हम जब स्कूल में जाते थे हमारी मम्मी हमको पाउडर लगा के भेजती थी, ओके, वो भी एक ही तरह का पाउडर होता था, जॉनसन बेबी पाउडर या तो पॉन्ड्स का पाउडर, ठीक है, ये दो ही तरह के पाउडर होते थे जो हमको अप्लाई करके भेजती थी, तो पाउडर क्या करता था, आपके स्वेट पोर्स को ओपन रखता था, ओके, टैल्कम पाउडर बोलते हैं उसे, टैल्कम पाउडर स्वेट पोर्स को ब्लॉक नहीं करता था, और जब भी स्वेट आता था तो पाउडर गीला होके निकल जाता था, ठीक है, तो ये ऐसे होता था जिसकी वजह से हम फ्रेश भी रहते थे, बॉडी पे रैशेस भी नहीं आते थे और बॉयल्स भी नहीं आते थे और स्किन भी फ्रेश रहती थी, और फिर घर पे आने के बाद हम नहाते थे तो पाउडर भी निकल जाता था और एक्सेस स्वेट भी निकल जाता था, ठीक है, पर आजकल कैसा हो गया है कि ये डीओ यूज करने लगे बच्चे स्कूल के टाइम पे, नाउ जो आपकी एज है बच्चा, ये सारी की सारी जो आप अभी जिस एज में हो, आप 10th तक 12th तक जो एज में रहोगे, दैट इज टीन एज, ओके, अभी आपकी एज कितनी है कोई डाल सकता है चैट बॉक्स में, अप्रोक्सीमेटली कितनी है आपकी एज, क्विकली क्विकली राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, 15, राइट, सो ये 13 से लेके 19 तक की एज, सबकी 15 है, राइट, तो इसके लास्ट में टीन लगता है, राइट, टी डबल ई एन, कुछ ऐसे लगता है, टी डबल ई एन, ये जो टीन लगता है ये वाला जो एज होता है, राइट, 15, 13, 14, 16, 17, 18, 19, ये जो टीन एज होता है ये आपका एज ग्रुप होता है जब आपकी बॉडी में मैक्सिमम चेंजेस होते हैं, ओके, जो आपकी बॉडी में मैक्सिमम चेंजेस लाते हैं, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, आपकी सेल्स चेंज होते हैं बॉडी के,
ठीक है, सब बढ़ते हैं, ग्रोथ स्टेज में होता है ये, जो टीन एज होता है वो ग्रोथ स्टेज में होता है, कंटिन्यू आपकी बॉडी ग्रो होती रहती है, ठीक है, और कभी कभी आप ये ग्रोथ महसूस भी कर पाते हो, आपका मूड चेंज होता है, ठीक है, आपके बिहेवियर चेंज होते हैं, खाने पीने के पैटर्न चेंज होते हैं, टेस्ट चेंज होता है, ठीक है, आपकी फेवरेट चीजें बदलने लगती है, तो ये सारे आप नोटिस भी कर पाते हो। तो ये जो चेंज वाला फेज होता है या ग्रोथ वाला फेज होता है, ये टाइम पे आप जब भी केमिकल के कॉन्टैक्ट में ज्यादा आते हैं, दैट इज डिओड्रेंट्स, ठीक है, इनके कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें पैराबीन्स होता है। अगर आप डीओ की बॉटल पलटा के देखोगे तो उस पे लिखा हुआ रहता है पैराबीन्स। पैराबीन्स क्या होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल एंड ब्यूटाइल, टी वाई एल वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है, एंड ऑल्सो एल्कोहल इन लार्ज प्रपोर्शन, इसमें एल्कोहल भी प्रेजेंट होता है, एल्युमिनियम कंपाउंड्स एंड सिलिका और ऑल्सो प्रेजेंट। सोचिए इतने खतरनाक केमिकल जब यूज होते हैं और आपकी ग्रोथ स्टेज होती है वो टाइम पे, अगर ये सारी अलग अलग कंपाउंड्स के कॉन्टेक्ट में आपकी बॉडी आ गई या बॉडी के सेल्स आ गए, तो आपके ग्रोथ पे, आपके हॉर्मोन्स पे, आपकी स्पिन स्किन के ऊपर इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। ओके, अब हम आते हैं अलग अलग डिओड्रेंट के टाइप के ऊपर। हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के डीओ है, एक तो ऑर्डिनरी डीओ होता है जिसमें बहुत ही कम एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, ओके, और इसमें क्या होता है, ये स्वेट की बदबू को डिक्रीज करने के लिए यूज होता है, ठीक है, जिसके बाद उसके दूसरा डीओ होता है एंटी परस्पिरेंट डीओ, ठीक है, दिस डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ स्वेटिंग। एंटी परस्पिरेंट का मतलब क्या है, आपकी स्वेट ग्लैंड को ब्लॉक करके स्वेटिंग को कम कर देना, तो इसमें स्वेटिंग कम हो जाती है। अगर आपकी बॉडी से आपकी गंदगी निकलेगी नहीं या स्वेट ग्लैंड से आपके डेड सेल्स निकलेंगे नहीं, तो आपकी बॉडी में वो गंदगी ब्लॉक हो जाएगी अगर आप ये डीओ यूज करेंगे। सो इसमें 15% एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, 15%, मतलब ऑर्डिनरी डीओ से ज्यादा। इट क्लॉग्स द स्वेट पोर्स ऑन द स्किन, हमारे स्किन के ऊपर की जो स्वेट पोर्स होती है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्वेट इनफ हो नहीं पाता है और आपके स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। और तीसरा डीओ होता है क्लिनिकल डीओ, जिसमें क्या होता है, जो लोग बहुत ही ज्यादा हेविली स्वेट करते हैं, लाइक थोड़ा सा वॉक करने के बाद भी स्वेट करते हैं, बोलने के टाइम पे भी स्वेट करते हैं, ठीक है, खाने पीने के टाइम पे भी स्वेट करते हैं, उसको बोलते हैं हेविली स्वेटिंग, ठीक है, इसके हेवी स्वेटिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं स्किन पे, जितना ज्यादा बॉडी से पानी जाएगा उतना ज्यादा स्किन ड्राई हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्लिनिकल डीओ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, हम नहीं करते हैं। क्लिनिकल डीओ में क्या होता है, इसमें 20-25% एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, जो स्वेटिंग की क्या बोलते हैं, स्वेटिंग के रेट को कम कर देता है, ठीक है, और इसको सिर्फ रात को लगाया जाता है, इसको सन के कांटेक्ट में नहीं लाया जाता है, इसको सिर्फ रात को सोने के टाइम पे लगाया जाता है, ठीक है। पर ये ऑर्डिनरी डीओ, एंटी परस्पिरेंट डीओ, क्लिनिकल डीओ, ये सारे बहुत ज्यादा यूज करने के बाद इसके हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज या कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में हम यूज करते हैं तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स तो होने ही है, दैट इज वेरी मच ऑब्वियस, ठीक है। तो सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, एल्यूमिनियम जिसे हम जिरकोनियम कंपाउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, दे आर मोस्ट हार्मफुल केमिकल्स इन द डिओड्रेंट। जिरकोनियम करके होता है, एल्यूमिनियम का ही कंपाउंड है जो कि बहुत ही हार्मफुल केमिकल है इस डिओड्रेंट का। इसकी वजह से क्या होता है, ये ज्यादा स्किन के कॉन्टेक्ट में आने से हेडेक हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकता है, ओके, और इसका हमें पता भी नहीं चलता है, दिस विल ऑकर विदाउट आर नॉलेज। दूसरा क्या हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स एज स्किन कैंसर ड्यू टू एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स। इसमें एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट होते हैं जो आपके बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देते हैं, स्वेट ग्लैंड से गंदगी बाहर नहीं निकलेगी तो आपकी स्किन डिसऑर्डर्स होंगे, और स्किन डिसऑर्डर्स ज्यादा टाइम के लिए रहे तो ये स्किन कैंसर में भी बदल सकते हैं। तो डिओड्रेंट, यहाँ तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रेन, एवरीबॉडी इज क्लियर विद डिओड्रेंट।
एवरीबडी इज क्लियर विथ आर्टिफिशियल कलर्स? क्या हम आगे बढ़े चिल्ड्रन? आर यू गुड टू गो अहेड? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. टेफलॉन. कादंबरी कहाँ है? कादंबरी दिखाई नहीं दे रहे हैं. ठीक है. टेफलॉन इज यूज फॉर कोटिंग द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स. ठीक है, अगर आप अपने घर में बर्तन देखोगे या फिर आप घर में आपकी आयरन देखोगे जिससे हम इस्त्री करते हैं ना कपड़ों को, वो देखोगे तो उनके ऊपर टेफलॉन की कोटिंग है. ठीक है, और बर्तन के ऊपर भी टेफलॉन की कोटिंग है. टेफलॉन इज यूज फॉर कोटिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट टू अवॉइड स्टिकिंग. इट इज यूज एज अ पॉलीमर ऑफ टेट्रा फ्लोरो इथिलीन. इतना बड़ा पॉलीमर प्रेजेंट है इसमें. पॉलीमर मतलब चेन रिएक्शन. ठीक है, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, फ्लोरीन इथिलीन और इसका टेट्रा बॉन्ड प्रेजेंट है. रॉय जे प्लंकेट डिस्कवर्ड इट इन 1938 और इसका केमिकल नेम है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन. ठीक है, इसका फॉर्मूला है C2F4 द होल रेज टू पावर N. ओके, मतलब इसका मल्टीपल बोलते हैं ना चेन रिएक्शन होते जाता है टेफलॉन का. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में, तो यहाँ पे इसको टेफलॉन कोटिंग बोलते हैं. इस तरह से टेफलॉन की कोटिंग की जाती है. ठीक है, अभी इस टेफलॉन की जो प्रॉपर्टी है वो किस लिए होती है? दिस इज वेरी मच पॉपुलर फॉर इट्स नॉन स्टिक प्रॉपर्टी. इसके ऊपर कोई भी चीज डाल दो चिपकती नहीं है. अगर आप आयन भी करते हो तो टेफलॉन की कोटिंग आयन के ऊपर होने की वजह से आयन चिपकता नहीं है कपड़ों को. खाना भी बनाते हो तो खाने के बर्तन के अंदर टेफलॉन की कोटिंग होने के वजह से खाना चिपकता नहीं है. तो इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या है? टेफलॉन की प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं. एटमॉस्फेयर एंड केमिकल सब्सटेंसेस हैव नो इफेक्ट ऑन टेफलॉन. ठीक है, बाहरी एटमॉस्फेयर और केमिकल इसका टेफलॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. नाइदर वाटर नॉर ऑयल विल स्टिक ऑन द टेफलॉन कोटेड आर्टिकल्स. अगर एक बार टेफलॉन की कोटिंग चढ़ा दी गई तो पानी और ऑयल उसके ऊपर टिकता नहीं है, जिसकी वजह से स्टिकी स्टिकी सरफेस होता नहीं है. हाई टेम्परेचर डू नॉट अफेक्ट टेफलॉन एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, टेफलॉन का इतना बड़ा मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो 100 डिग्री के ऊपर जाता नहीं है. इसकी वजह से टेफलॉन खराब होता नहीं है. टेफलॉन कोटेड आर्टिकल्स आर इजी टू क्लीन और इसका क्लीनिंग भी काफी इजी है. ये तो टेफलॉन की प्रॉपर्टीज थे. अब हम आते हैं यूजेस पे. टेफलॉन है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए टेफलॉन क्लैडेड वायर्स एंड पार्ट्स आर यूज्ड इन हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स. तो अगर आप अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे, जैसे कि कंप्यूटर के पार्ट्स, कोई कोई जैसे कि आप बोलोगे रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स या आपके टीवी के पार्ट्स, काफी सारे टेफलॉन से कोटेड होते हैं क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आर पार नहीं जाती है. इट इज यूज फॉर मेकिंग नॉनस्टिक किचन वेयर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी इसके बारे में. द कलर्ड मेटल शीट्स ऑफ टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स आर गिवन टेफलॉन कोटिंग टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डैमेज ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड रेन. काफी बार धूप में गाड़ियां घूमने से गाड़ियों के ऊपर कलर चले जाता है या गाड़ियों के ऊपर रस जैसा सरफेस के ऊपर आ जाता है और बारिश में भीगने की वजह से जंग पकड़ने लगता है. तो ये टेफलॉन कोटिंग क्या कर देता है? गाड़ियों को गाड़ियों की शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है. तो सभी को ये टेफलॉन क्लियर है चिल्ड्रन अभी तक? क्या हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले पाउडर कोटिंग के लिए? इजी, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. पाउडर कोटिंग. पाउडर कोटिंग इज अ मेथड फॉर अप्लाइंग अ लेयर ऑफ हार्डर देन द पेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट रस्टिंग. पाउडर कोटिंग मोस्टली जंग लगने को प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है. ठीक है, इसको आप कोई भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर अच्छे से कोट करोगे तो उसको जंग नहीं पकड़ेगा, खास करके आयन की चीजों का. इन दिस मेथड द पॉलीमर रेजिन अ पिगमेंट एंड सम अदर इंग्रेडिएंट्स आर मेल्टेड मिक्स्ड कूल्ड एंड ग्राउंड इनटू यूनिफॉर्म पाउडर. ठीक है, इस मेथड में क्या किया जाता है? पॉलीमर रेजिन, ठीक है,
इसको पिगमेंटेड फॉर्म में, मतलब पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, और उसके अंदर कोई और भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जंग पकड़ने से उसको रोकता है। ठीक है, इसको पाउडर फॉर्म में लाने के बाद इसको ठंडा किया जाता है और इसको एक पाउडर के फॉर्म में बनाया जाता है। इस पाउडर को क्या किया जाता है, फिर स्प्रे किया जाता है ऑन द पॉलिश मेटल सरफेस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे। अगर आप लोगों ने देखा होगा गैराज में वगैरह, वो लोग है ना पंप लेके स्प्रे करते हैं गाड़ी के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग चढ़ाने के पहले। कभी देखा है व्हाइट कलर का कोटिंग होता है, कभी व्हाइट होता है, कभी ब्लू कलर का कोटिंग होता है, और उस स्प्रे से चढ़ाते हैं, पता है? कभी देखा है गैराज में, गैराज के यहाँ से पास होने के टाइम पे वो होता है पाउडर कोटिंग। उस पाउडर कोटिंग को व्हाइट कलर की पाउडर या ब्लू कलर की पाउडर होती है, उसको टेफ्लॉन या उसको कलर लगाने से पहले स्प्रे किया जाता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे होता है, इसका ESD करके बोलते हैं। इसको अच्छे से उसके ऊपर डिपॉजिट किया जाता है। आई जस्ट शो यू इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे। ESD एक मिनट का, ये देखिए इस तरह का स्प्रे होता है। ओके, हाउ टू शो यू, एक मिनट, एक स्प्रे के फॉर्म में होता है, 1 मिनट। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे, ओके, ये देखिए इस तरह से, इससे वो पूरा स्प्रे किया जाता है गाड़ियों के ऊपर या कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देखोगे आपको बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे, खास करके ये वाला स्प्रे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको ये स्प्रे। तो ये स्प्रे को अंदर कलर होता है और ये कलर से उसको डिपॉजिट किया जाता है। इस तरह के स्प्रे होते हैं, ये मोस्टली गराज और ऐसे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन द लेयर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन। अब क्या होगा, ये स्प्रे करने के बाद, ठीक है, ये जो है पाउडर होती है वो मेटल सरफेस के ऊपर चिपक जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये कोटिंग इसके ऊपर चिपकी हुई रहे। फिर इसके अंदर जब हीट किया जाता है तो केमिकल रिएक्शन ऑकर होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग क्रॉस लिंक पॉलीमरिक चेन रिएक्शन होता है। दिस पाउडर कोटिंग इज हाईली ड्यूरेबल, हार्ड एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, पाउडर में अलग अलग कलर में भी आती है, और इस पाउडर कोटिंग कैन बी डन ऑन प्लास्टिक एंड मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड इन डे टू डे लाइफ एज वेल। ठीक है, तो ये पाउडर कोटिंग को प्लास्टिक के ऊपर भी चढ़ाई जाती है, उनको अलग अलग कलर देने के लिए। आप लोगों ने अलग अलग कलर के, मल्टी कलर के छत देखे होंगे ना, तो वो इसी कोटिंग की वजह से होता है। एम आई क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कैन वी गो टू नेक्स्ट पार्ट? जब तक आप येस और नो नहीं बोलेंगे हम नहीं चलेंगे आगे। एनीवन? ठीक है, बड़े आगे, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग ये भी एक तरह का लेयर फॉर्मेशन है, पर इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी की यूज होती है। एनोड और कैथोड आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, राइट? बस यहाँ पे वो प्रोटेक्टिव लेयर इलेक्ट्रिसिटी को पास करके लगाया जाता है। अ प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म नेचुरली ऑन द सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट।
एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, एयर के ऑक्सीजन को लेके लेयर फॉर्म कर देता है. इन एनोडाइजिंग प्रोसेस दिस लेयर कैन बी मेड बाय ऑफ डिजायर्ड थिकनेस. इसका थिकनेस कम ज्यादा हो सकता है. एनोडाइजिंग इज डन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस. डाइल्यूट एसिड इज टेकन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करके ऐसी होती है, राइट? आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, राइट? इसमें एक एनोड होती है और एक कैथोड होती है, दो कलर के अलग अलग ये होते हैं. फिर इसको है ना से बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल. फिर यहाँ पे बल्ब ग्लो होता है, एक बल्ब रखा जाता है. फिर इसको सेल के साथ ये करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट द एनोड. ये जो कैथोड होगा यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगी और यहाँ पे एनोड होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी, ठीक है. अ रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑकर्स एंड लेयर ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द एनोड. एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का रिएक्शन होगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है. द ऑक्सीजन ऑकर्स अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द एनोड, दैट इज आयन आर्टिकल. दिस लेयर कैन बी मेड अट्रैक्टिव बाय एडिंग कलर्स इन सेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस. वी यूज एनोडाइज्ड कुकिंग यूटेंसिल्स लाइक ग्रिडल्स एंड कुकर्स. ओके, तो हम अलग अलग यूटेंसिल्स भी यूज करते हैं जिसकी वजह से आयन के ऊपर ये पानी चढ़ाया जाता है. काफी बार आप लोगों ने देखा होगा ना, स्टेनलेस स्टील के नाम पे आयन के बर्तन भी मिलते हैं जो स्टील जैसे दिखते हैं, पर जब आप मैग्नेट लेके जाते हो उसके पास तो अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि वो आपकी ओरिजिनल आयन के बर्तन होते हैं जिसके ऊपर एनोडाइज किया जाता है और वो बर्तन काफी सस्ते भी होते हैं, ठीक है. तो वो होते हैं एनोडाइजिंग. इसमें अलग अलग कलर्स भी मिलाए जाते हैं उसको, बर्तन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए. तो काफी सारे फंक्शंस में ऐसे बर्तन यूज होते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट एनोडाइजिंग. विल गो टू सिरेमिक. सिरेमिक क्या होता है, इट इज हीट रेजिस्टेंस सब्सटेंस फॉर्म बाय नीडिंग एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वाटर एंड देन शेपिंग इट एंड हार्डनिंग बाय हीटिंग इट. नीडिंग का मतलब क्या है, उसको आटे की तरह मल देना. ओके, नीडिंग का मतलब आटा बुनते हैं ना, आटा बनाते वक्त देखा है ना आप लोगों ने घर पे पेरेंट्स को, यस, उसको नीड करते हैं अच्छी तरह से. तो सिरेमिक लिया जाता है और इस सिरेमिक को हीट, ये सिरेमिक हीट रेजिस्टेंस हीट को विथस्टैंड कर लेता है. तो उसको अच्छे से नीड किया जाता है. ओके, किसके साथ नीड किया जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वाटर. ओके, एंड देन शेपिंग इट एंड हार्डनिंग इट बाय हीटिंग इट. हीट थोड़ा दे के इसको शेप में बदला जाता है, फिर ये ठंडा होने के बाद अपने आप हार्ड हो जाता है. सिरेमिक से क्या क्या बनते हैं, पॉट्स बनते हैं. यू कैन सी हियर अलग अलग कलरफुल पॉट्स, ठीक है. मैंगलोर रूफिंग टाइल्स होते हैं, जो रूफ के ऊपर टाइल्स होती है मैंगलोरी टाइल्स बोलते हैं. फिर सी इसको आप ये भी बोल सकते हो, जो होता है ना फॉल्स सीलिंग भी सिरेमिक का बनता है. कंस्ट्रक्शन के ब्रिक भी आजकल सिरेमिक के बनते हैं. पॉटरी टेराकोटा आर्टिकल्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन सिरेमिक आर्टिकल्स दैट वी सी अराउंड, ठीक है. कैसे बनाया जाता है सिरेमिक, यहाँ पे दिया है. अ क्ले इज नीडेड इन द वॉटर. क्ले लिया जाता है, उसको पानी के पानी डाल के उसको अच्छे से भून दिया जाता है, उसको अच्छे से शेप किया जाता है और उसको फायर्ड इन क्लीन एट अ टेम्परेचर ऑफ 1000 टू 1050 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर के ऊपर उस क्ले को हार्ड होने के बाद थोड़ी आग दी जाती है. अ पोरस सिरेमिक इज फॉर्म. इसमें क्या होता है, पानी इवेपोरेट होके एक पोरस सिरेमिक फॉर्म होता है और वो शेप का फॉर्म होगा जो आपने ऑलरेडी इसको इस शेप में बना दिया है. टू ओवरकम द पोरोसिटी द फायर्ड ऑब्जेक्ट इज कवर्ड विद फाइनली ग्राउंड ग्लास पाउडर. अब ये तो पोरस हो गया एक आपका सिरेमिक का आर्टिकल, अब उसके अंदर की खोखलेपन को कैसे भर दिया जाए, तो उसको हल्के से ग्लास पाउडर के साथ उसको कवर कर दिया जाता है, ठीक है. और इसके ऊपर वॉटर ग्लेज इज देन फायर्ड अगेन, ठीक है. इसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी डाला जाता है, फिर उसको फायर के साथ एक्सपोज किया जाता है तो उसको अच्छे से शाइन आ जाती है. एज अ रिजल्ट द सर्फेस ऑफ सिरेमिक बिकम शाइनी एंड पोरोसिटी डिसअपीयर्स. तो ये इसका खोखलापन डिसअपीयर होके एकदम शाइनी शाइनी बन जाता है. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, सिरेमिक और पोर्सेलिन अलग अलग है. यहां तक सभी को क्लियर है सिरेमिक?
सिरेमिक इज क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं पोर्सिलिन। ठीक है, सिरेमिक में क्ले यूज होता है चिल्ड्रन, और पोर्सिलिन में चाइना क्या बोलते हैं, चाइना क्ले यूज होता है। ठीक है, तो आपका पोर्सिलिन अलग है और आपका सिरेमिक अलग है, दोनों अलग अलग है। सिरेमिक को क्ले से बनाया जाता है। पोर्सिलिन इज हार्ड ट्रांसल्यूसेंट एंड वाइट कलर सिरेमिक। ठीक है, ये भी सिरेमिक का प्रकार है, ये भी सिरेमिक का टाइप है। ओके, पर ये कैसा है, हार्ड होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा ओपेक होता है, और वाइट कलर का सेरेमिक होता है। इट इज मेड बाय यूजिंग वाइट क्ले कॉल्ड एज कियोलिन क्ले। ओके, जो चाइना में मिलता है वाइट कलर का क्ले। ग्लास ग्रेनाइट एंड मिनरल फ्लेट्सपार इज मिक्स्ड विद केओलिन एंड नीडेड विद वाटर। केओलिन के साथ ग्लास ग्रेनाइट और फ्लेट्सपार करके मिनरल होता है, इन सबको ऐड किया जाता है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज शेप्ड एंड फायर्ड इन अ किन एट अ टेम्परेचर ऑफ 1200 टू 1450 डिग्री सेल्सियस। आपका सिरेमिक के लिए कम टेम्परेचर लगता है, आपके पोर्सेलिन के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगता है। ठीक है, क्लीन करके एक कंटेनर होता है जिसके अंदर इसको हीट किया जाता है, सिरेमिक या पोर्सेलिन के आर्टिकल्स को। ऑन फायरिंग अगेन आफ्टर ग्लेजिंग, ब्यूटिफुल आर्टिकल्स ऑफ पोर्सेलिन आर ऑब्टेन। विच पोर्सेलिन वेसल्स आर यूज इन द लेबोरेटरी, अलग अलग, जैसे कि पोर्सेलिन डिश, इवेपोरेटिंग डिश, ये सारे पोर्सेलिन के होते हैं, लेबोरेटरी में यूज किए जाने वाले। ठीक है, इवेपोरेटिंग डिश भी पोर्सेलिन की होती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कैन वी गो टू नेक्स्ट टाइप चिल्ड्रेन, आर वी रेडी? यस, नो, नो, यस, वेरी गुड, ओनली वेदांत इज रेडी। ठीक है, बोन चाइना। बोन चाइना इज मेड बाय एडिंग सम एश ऑफ एनिमल बोन्स इन मिक्सचर ऑफ चाइना क्ले, फ्लेट्सपार एंड फाइन सिलिका वाइल मेकिंग पोर्सेलिन। ठीक है, आपका सिरेमिक के बाद, आपका पोर्सेलिन के बाद, आपका यहाँ पे आता है बोन चाइना। ठीक है, अब ये बोन चाइना क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ऐश यूज किया जाता है, राख यूज की जाती है ऑफ एनिमल बोन्स, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनकी राख यूज की जाती है। ठीक है, किसमें यूज की जाती है, इन चाइना क्ले के मिक्सचर में, उसके अंदर फ्लेट्सपार डाला जाता है और थोड़ा सा सिलिका डाला जाता है वाइल मेकिंग पोर्सेलिन, ये बनाते टाइम पे। ठीक है, उसमें एनिमल की ऐश ऐड करी जाती है, इसके लिए इसका नाम है बोन चाइना। दिस सिरेमिक इज हार्डर देन पोर्सेलिन। ये पहले हार्ड है, ये हार्डर है इससे ज्यादा, और ये और भी हार्डेस्ट है दोनों से कंपेरिजन में। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऐश आ जाती है। इसके बाद हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं आज के लिए, दैट इज एडवांस्ड सिरेमिक्स। एडवांस सिरेमिक्स क्या होता है, सिरेमिक के ही टाइप होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी एडेड होता है, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिरकोनिया ZrO2, सिलिका, सिलिका मतलब SiO2, एंड सम अदर कंपाउंड्स लाइक सिलिकॉन कार्बाइड SiC, इन सबको मिला के एडवांस सिरेमिक्स होते हैं। ये सिरेमिक का एडवांस वर्जन है। ठीक है, इसमें बोरॉन कार्बाइड भी यूज होता है, दीज आर यूज इंस्टेड ऑफ क्ले, तो क्ले की जगह पे ये सारी चीजें, या फिर इनमें से कुछ चीजें यूज की जाती है, क्ले यूज नहीं किया जाता है। नाउ इसमें क्या होता है, ये सारी यूज जब भी करते हैं तो एक एडवांस सिरेमिक होता है। ठीक है, सिरेमिक रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 1600 टू 1800 डिग्री सेल्सियस। सिरेमिक को अभी टेम्परेचर इससे भी ज्यादा, पोर्सेलिन से भी ज्यादा लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स आए हैं, तो उसका टेम्परेचर हाई होना है। ठीक है, अभी इसको इतने डिग्री पे फायर किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंटरिंग, SINTERING, सिंटरिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडवांस्ड सिरेमिक्स। लास्ट पार्ट फॉर द पोर्शन एंड लास्ट पार्ट फॉर टुडे इज सिरेमिक जो होते हैं, दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। फिर वो आपका नॉर्मल सिरेमिक रहने दो, ठीक है, फिर वो आपका पोर्सेलिन्स वाला रहने दो,
बोन चाइना रहने दो या एडवांस सिरेमिक रहने दो। सिरेमिक के ये तीनों भी टाइप्स है, ये क्या होते हैं आपके हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट डिकम्पोजिंग। सिरेमिक इज ब्रिटल, हाथ से गिर जाने पे टुकड़े हो जाते हैं। सिरेमिक वाटर रेजिस्टेंस भी होता है, पानी के अंदर वो घुल मिल नहीं जाता है इजीली, और ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, इसीलिए इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कोटिंग द इंटीरियर ऑफ अ ट्रेन, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज किया जाता है जहाँ पे रिएक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर कोटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है इनके कंटेनर्स को, ठीक है। एंड इट इज द आउटर सर्फेस ऑफ शिप्स एंड ब्लेड्स ऑफ जेट इंजिन्स। अ सर्टेन टाइप ऑफ सिरेमिक टाइल्स आर फिक्स्ड ऑन आउटर लेयर ऑफ स्पेस शटल। स्पेस शटल के बाहर भी सिरेमिक के टाइल्स यूज किए जाते हैं क्योंकि वो अलग अलग स्पेस की कंडीशन को भी विथस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो स्पेस शटल के बाहर ही टाइल्स को सिरेमिक के टाइल्स बनाए जाते हैं, और ये लाइट इन वेट भी होता है। सम टाइप्स ऑफ सिरेमिक आर यूज्ड एज सुपर कंडक्टर्स, और कुछ सिरेमिक को सुपर कंडक्टर के तौर पे भी यूज किया जाता है। विद दिस हमने आज का ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम था, क्या नाम था इस चैप्टर का चिल्ड्रन? सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, हमारा आखिरी चैप्टर फॉर द एकेडमिक ईयर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है चिल्ड्रन? अभी के अभी ये पूरा चैप्टर के गो थ्रू करिए, इसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। किसी को कोई डाउट है? कुछ भी बाकी है? कुछ भी बाकी है टेक्स्ट बुक में से चिल्ड्रन साइंस वन के लिए? अभी बताइए। गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक राइट नाउ, विनीत, जाहिद एंड वेदांत। टर्न ओवर योर टेक्स्ट बुक, एक बार इंडेक्स चेक कर लो, कोई चैप्टर हमारा बाकी है? ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन मैं करा देती हूँ आपको। लास्ट हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स जो हमारे डेली लाइफ में देखते हैं हम, ठीक है। इस सॉल्ट का हमारी डेली लाइफ से जो संबंध है ये स्टेबल में आया, उनका कलर और उनकी पीएच वैल्यू हमने जानी। हमने पीएच वैल्यू जानी तो हमको पता चला कि 7 तक है न्यूट्रल, 7 वाला पीएच न्यूट्रल होता है। 7 से कम वाला पीएच जो जाता है वो एसिड्स होते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और जो 7 से ज्यादा वाला पीएच जाता है वो बेसिस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने अलग अलग सॉल्ट्स के नाम पढ़े, सोडियम क्लोराइड जिसे हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज देखे, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है, जो हम केक वेक के लिए यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, जो क्लीनिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग सोडा बोलते हैं जिसे, जो कि हमारे वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग इसके लिए यूज किया जाता है, सोप वोप बनाने के लिए जिसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कुछ क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो हमारे डेली लाइफ में, एलन, बोरैक्स, एप्सम सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सारे के सारे डेली लाइफ के सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट के बाद हम आए सोप पे, ठीक है। सोप में जब भी आपके फैटी एसिड्स ऑयल के साथ बॉईल हो जाते हैं, फैटी एसिड फॉर्म होते हैं, और वो एक एक गाढ़ा सा ये जूस बनाते हैं, उसे हम कहते हैं सोप। और इस सोप को अलग अलग शेप दिए जाते हैं। बाथिंग सोप और वॉशिंग सोप में एक बड़ा डिफरेंस है, बाथिंग सोप में हाई ग्रेड फैट्स यूज किए जाते हैं, वॉशिंग सोप में लो ग्रेड फैट्स यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखे अलग अलग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। रुदरफर्ड का एक्सपेरिमेंट हमने देखा, उन्होंने किस तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रेस को कैटेगराइज किया। चिल्ड्रन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, कम से कम इसमें से 6 प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना, ओके। कम से कम 6 प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना, या तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा या अल्फा गामा आ जाएंगे। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर चिल्ड्रन? 6 प्रॉपर्टीज कम से कम पढ़ के जाना, ठीक है।
यस वेदांता, आई विल कम टू यू, वन मिनट। तो हमने अल्फा बीटा और गामा रेज के डिफरेंशिएशन को देखा यहाँ पे। इसके बाद हमने यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहाँ पे यूज किए जाते हैं वो देखा। इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज होते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज होते हैं, मेडिकल साइंस में यूज होते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि रेडियो एक्टिव सारे सब्सटेंस यूज होते हैं। जिसका रेडियो एक्टिव शेल्फ लाइफ कम है, जो कि नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उन्हीं को यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हैजर्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड रेडिएशन। ज्यादा इसके साथ एक्सपोज होने पर डीएनए पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने देखा था शर्नोबिल डिजास्टर, ठीक है। इसके बाद अपने अपने सोशल स्टडीज में ये भी पढ़ा होगा हिरोशिमा और नागासाकी का बम्बार्डमेंट। वहां पे भी अब तक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के एटम बॉम्ब्स के इफेक्ट जाने जाते हैं आज तक, कितने सालों के बाद। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बाद कुछ और भी केमिकल्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, जो कि फूड कलर्स और एसेंसेस है। ये किससे बनते हैं? ये जो कलर कलर के आर्टिकल्स हम खाते हैं, ये डेफिनेटली केमिकल से बनते हैं, ठीक है। अचार का कलर कैसा होता है? घर पे आप अचार बनाओ और मार्केट से अचार लाओ, मार्केट वाला अचार बहुत लाल होगा, राइट, बिकॉज ऑफ द फूड कलर्स। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं आर्टिफिशियल फूड कलर्स के, ठीक है। इसमें भी मर्क्यूरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए रिजल्ट करता है बच्चों में, ओके। इसके बाद हमने कुछ डाइज भी पढ़े। डेली लाइफ में हम डाइज यूज करते हैं, कपड़ों पे डाइज यूज करते हैं, हाथों पे मेहंदी, मेहंदी इज अ नेचुरल डाई, हेना इज नेचुरल डाई, ठीक है। खाने पीने में सॉरी कपड़ों में मेहंदी और हेयर में भी डाई यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके हमने कुछ यूजेस और एडवर्स इफेक्ट देखे। उसके बाद हमने आर्टिफिशियल कलर्स देखे, जिसके स्किन के ऊपर कैसे रिएक्शन होते हैं। उसके साथ साथ आर्टिफिशियल कलर के बाद डिओड्रेंट और टेफलॉन जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, डिओड्रेंट के तीन टाइप्स देखे और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स देखे। फिर हमने टेफलॉन के बारे में जाना, जो कोटिंग हमें दिखाई देती है, जो उसको लॉन्ग लाइफ देती है, पर हमारे खाने के भी कॉन्टेक्ट में आती है, तो वो टेफलॉन होती है, ठीक है। जैसे बर्तनों में टेफलॉन कोटिंग होता है आजकल, नॉनस्टिक पैन्स, नॉनस्टिक इसमें सारे नॉनस्टिक टेफलॉन कोटिंग के होते हैं। फिर हमने पाउडर कोटिंग के बारे में जाना, ठीक है। अलग अलग पाउडर कोटिंग की मेथड को यूज किए जाते हैं, ठीक है। स्प्रे करके आयोनाइड एनोडाइजिंग देखा हमने, जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद ही प्रोड्यूस होता है। सिरेमिक के तीन अलग अलग टाइप देखे, पोर्सिलिन, बोन चाइना एंड एडवांस्ड सिरेमिक्स। और इसके साथ हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है, और पोर्शन भी हमारा यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। चिल्ड्रन, यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है? कैन वी कॉल ऑफ दिस पोर्शन एवरीवन? क्या हम पोर्शन डिक्लेयर कर दे, एंड हो गया? एक बार मैं आपको इसमें लेके चलती हूँ, क्या कहते हैं, इंडेक्स पे, इंडेक्स पेज एक बार देख लेते हैं। अगर कुछ भी बाकी है तो अभी बता दो, या फिर मैं इसको एंड कर देती हूँ पोर्शन को, फिर हम रिविजन स्टार्ट करेंगे। देख के बताइए चिल्ड्रन, इज माई स्क्रीन शेयर्ड ऑन योर एंड? चिल्ड्रन, इज माई स्क्रीन शेयर्ड? अच्छा, हमारा इसमें से कोई भी चैप्टर बाकी है? ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप हो गया चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 18 हो गया, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप, वेदांत, विनीत, वेदांत एंड विनीत प्लीज टेल मी। एम आई ऑडिबल मैम? कैन यू रिपीट? चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हुआ? मैंने चैट बॉक्स में डाला है, नॉट कंप्लीटेड चैप्टर 18, पक्का नॉट कंप्लीटेड?
वेदा नॉट कंप्लीटेड चैप्टर 18, ठीक है चलो, ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप. उसके बाद हमने सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज कर दिया, हमने उसके बाद कार्बन कर दिया, स्टडी ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आईसीटी भी हो गया. इसके बाद हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कर दिया, मेजरमेंट ऑफ मैटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क एंड एनर्जी एंड लॉज ऑफ मोशन. सिर्फ एक ही चैप्टर बाकी है, राइट? ओके चलो, सो वी शैल स्टॉप हियर फॉर द टुडे. आई थिंक 16 एंड 17 आर ऑल्सो नॉट कंप्लीटेड. ऐसे कैसे नॉट कंप्लीटेड? 16 एंड 17 बच्चा वो साइंस 2 के है वेदांत. आप एक बार वैशाली मैम से बात कीजिए ना बच्चा, आफ्टर दिस क्लास आप एक बार वैशाली मैम से बात कीजिए, ठीक है? चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट, टाटा. जाहिद खान यू हैव टू लीव द मीटिंग बच्चा.